हम 11th क्लास में पढ़ते थे फॉर्मूला, क्या होता था इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता था sin 3 थीटा का फॉर्मूला, है ना, sin 3 थीटा होता था ये। तो क्या करते हैं इसको, लेट, अगर आपको बोर्ड में तो लेट लेके ही करते हैं तो लेट लेके कर लो, अगर आपको लेट लेके करना है तो क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स को क्या ले लेंगे, साइन इनवर्स एक्स को मैं थीटा ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा साइन थीटा, जो कि कितना आएगा, एक्स आएगा। साइन थीटा कितना आएगा, एक्स आएगा। तो आप सिंपल सा बताओ, अगर अच्छा साइन थीटा एक्स है तो ये किस चीज का फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। सर, ये ठीक है, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला बना। हाँ जी बिल्कुल, sin 3 थीटा का फॉर्मूला बना। तो यहाँ से एक कैंसल आउट हो गया, सिर्फ क्या रह गया आपका 3 थीटा, और 3 थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना लिया था हमने, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स हाँ, एक्स। बट हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें क्या ध्यान रखना है, ये भी आंसर में लिखना है, एक्स की वैल्यू कहाँ रहेगी, -1 से 1/2 के बीच में ही होनी चाहिए। क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है। इसी तरीके से ये भी होगा, ये लोग आप होमवर्क में कर लेना, हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, हो जाएगा यस क्या, सर। ये कॉस इनवर्स और ये क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब टेन में बहुत वैरायटी आती है, टेन वाले क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक है, टेन का ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स 1 + x² - 1/x। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं हम उसको, कैसे करेंगे बताओ। सर, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल्स टू 10 थीटा। सर, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे लेट क्या ले लेते हैं, एक्स को कुछ लेना पड़ेगा, क्या ले लेते हैं, 10 थीटा ले लेते हैं। क्यों 10 थीटा लिया, क्योंकि यहाँ 10 इनवर्स है, तो इसको 10 थीटा की टर्म्स में बदल देंगे तो ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाएगा, तो थीटा इसके हिसाब से क्या हो जाता है, 10 इनवर्स x। ये ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट हमने लिख लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 इनवर्स 1 + x² की जगह पे आप क्या लिख दो, 1 + tan² थीटा -1, और x की जगह पे क्या लिख दूंगा, 10 थीटा। अब इस चीज को ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है 1 + tan² थीटा कितना होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा sec² थीटा। sec² थीटा का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, सीधा सीधा लिख दो, हाँ वेरी गुड, तो इनटू यहाँ पर मैंने लिख दिया sec थीटा, sec थीटा -1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 थीटा। थीटा अब इसको क्या है, किस चीज में बदलना है मुझे, इसको 10 थीटा में बदलना है। अगर इसको 10 थीटा में बदलना है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको साइन कॉस में बदलेंगे तभी तो होगा, तो यस, साइन कॉस में बदलो इसको, ये कितना हो गया, 1 अपॉन में cos 3 1 अपॉन कॉस -1 अपॉन अपॉन में में साइन। साइन अपॉन कॉस। एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बचा आपका, 1 - cos थीटा, क्या बचा, 10 इनवर्स, ऊपर बचेगा आपका 1 - cos थीटा अपॉन में cos थीटा, जो कि तो बाद में कैंसल आउट हो जाना है, और नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे क्या बचेगा, sin θ / cos θ, थीटा बाय कॉस थीटा। यस ये तो कैंसल आउट हो गया, क्या बचा आपका, खाली ये 1 - cos θ और sin θ। अब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, 1 - cos θ क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ाते थे हम इस चीज को, इलेवेंथ सर, क्लास हाँ बोलो, सर फॉर्मूला होता है इसका 2 sin² θ/2। 2 sin²θ/2। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, आप अब बाकी बच्चे जिनको नहीं याद है, आपने 11th क्लास में पढ़ा ना cos²x क्या होता था, cos²x हमारा 3 फॉर्मूले होते थे, उनमें से एक होता था इसका ये वाला फॉर्मूला, sin²x, यही होता था 1 - 2 sin²x। तो अगर मैं इसको लिखूं, इसको अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो गया, 1 - cos²x कितना हो गया, 2 sin²x। 11th में पढ़ते थे हम, है ना, यहाँ पे अगर 2x की जगह, x की जगह मैं ले लूं, हाफ ले लूं, तो कितना हो जाएगा, ये cos, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर हाफ कर दो तो cos x, और ये कितना हो जाएगा, sin²x/2, यही हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा बस। तो 1 - cos θ दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 inverse (2 sin²θ/2)। अच्छा यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया आप लोग सोचोगे, क्योंकि अपॉन में sin θ दिया हुआ,
अपॉन में साइन थीटा दिया हुआ है। अब साइन थीटा को भी देख के आपको याद होना चाहिए भाई, टू कैंसल आउट होना चाहिए मेरा। याद है पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, ये भी टेंथ में पढ़ा है, साइन टू थीटा होता था, इलेवेंथ में पढ़ा है साइन टू थीटा होता था, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। थीटा तो अगर मैं खाली साइन थीटा की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा टू बाई साइन टू, थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू ठीक है। कट कट आ गया यहाँ पे तो सब कुछ, कट कट आ गया यहाँ पे तो सब कुछ, टू से टू कट गया, साइन से एक, साइन से एक साइन कट गया, थीटा बाय टू क्या रह गया आपका, सर टेन थीटा बाय टू हाँ इंटू टेन थीटा बाय टू, तो आंसर क्या आया, थीटा बाय टू, थीटा बाय टू टू इज दी आंसर, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट में वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स। अब ये जो वन माइनस कॉस एक्स है और वन प्लस कॉस एक्स है बच्चों, इसका आपको अच्छे से इलेवेंथ में ही फॉर्मूला करा देते हैं, इसलिए तो सर आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। तो अभी तो एक हमने जस्ट देखा, क्या देखा हमने, किसका टू देखा साइन था, हमने स्क्वायर वन एक्स माइनस थीटा कॉस एक्स बाय का, वन माइनस कॉस एक्स का देखा था, वन माइनस कॉस एक्स का देखा था, ऐसे ही किसका होता है फॉर्मूला, वन माइनस कॉस एक्स का देखा था, कितना होता है टाइप टू साइन स्क्वायर टू एक्स वाई, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू एक्स बाय टू अपॉन में टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू वेरी गुड, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, टू से टू कैंसल आउट हो गया और आपका क्या रह गया, टेन स्क्वायर टेन एक्स बाय टू, क्या रह गया, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, स्क्वायर एक्स बाय टू ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसका अगर अंडर रूट भी लगा हुआ है यहाँ पे, यस और नो, अंडर रूट भी लगा हुआ है, अंडर रूट यस सर तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाय टू, ठीक है। टेन एक्स बाय टू हाँ अब आप बोलोगे अंडर रूट में तो सर प्लस माइनस होता है, बिल्कुल होता है प्लस माइनस वो, बट एक्स की वैल्यू क्या, जीरो से लेकर पाई पॉजिटिव है, माइनस वाला तो ले नहीं सकते हम साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा है, एक्स बाय टू, क्लियर, एक्स बाय यस सर माइनस वाला तो उसमें ले ही नहीं सकते, तो एक्स बाय टू आ गया, ठीक है। आते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन देखो, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये भी हम इलेवेंथ क्लास में बता देते हैं ये वाला कोई चीज भी, ठीक है, बट कोई नहीं, अगर आपको नहीं आइडिया इसका तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या बनाना है इसको, टेन बना दो सर, तो बना दो टेन, टेन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉस एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो ये कितना बचा, वन माइनस टेन एक्स बनाई। अपॉन में 1 प्लस 10 एक्स अब ये हम इलेवेंथ क्लास में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते थे आप लोगों को, ठीक है, जब इलेवेंथ क्लास में बता देते तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, डायरेक्टली यूज कर लेते थे इसको, सर गुड इवनिंग, तो टेन बाय डायरेक्टली, फोर माइनस हाँ इसका आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, अगर डायरेक्टली नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स, ये इलेवेंथ में हम बताते हैं कि जब आप टेन एक्स प्लस वाई में, ये तो आप सबको पता होता था, चलो देख यस लो, सर, ये आप इलेवेंथ क्लास में पढ़ते थे, बोलते थे यस सर यही होता वन है, माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाई, टेन वाई होता था, तो मैंने यही बता रहा हूँ कि अगर मैं इसमें एक्स की जगह पे पाई बाय फोर रख दूँ और वाई की जगह पे मैं रख दूँ एक्स रख दूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, वन माइनस टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन एक्स, ये हम इलेवेंथ में बता देते थे, ठीक है। अब तो जब आपने ये चीज यहाँ पे डायरेक्टली देख ली, यहाँ पे लिखा वन माइनस टेन एक्स और वन प्लस टेन एक्स, तो ये फॉर्मूला उतार के आप सीधा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स कितना हो गया, टेन इनवर्स इंटू टेन इनवर्स टेन पाई टेन बाय फोर प्लस एक्स, ये लिख दो यहाँ पे, ठीक टैक्स है, टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो इधर क्या दिया हुआ है, इधर माइनस दिया हुआ था, ये जो मैंने उल्टा लिख दिया, ये फॉर्मूला प्लस का लिख दिया है मैंने,
ठीक है, गलत हो गया, ध्यान दो। यहाँ पे क्या चीज दी हुई है, माइनस दी हुई है, तो ऊपर अगर माइनस होता है तो ये फॉर्मूले में भी माइनस होता है, ये फॉर्मूले में भी माइनस होता है। ऊपर क्या है मेरा, माइनस है, मैंने प्लस के हिसाब से लिख दिया था। ठीक है, तो 1 - tan x, 1 + tan x का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमने उल्टा फॉर्मूला ले लिया है। ध्यान रखना, 11th में करते हैं हम ये, ठीक है। अगर इस चीज के अंदर ये फॉर्मूला तो सबको पता है, हमने 11th क्या किया, इसमें x की जगह π/4 रखो, y की जगह x रखो, तो ये चीज निकल के आती है। तो कहीं पर भी 1 - tan x, 1 + tan x देखें तो लिख देना π/4 - x, और अगर ऊपर प्लस हो तो फिर लिख देना, और नीचे माइनस हो तो लिख देना π/4 + x वाला। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, बहुत जगह पे यूज होते हैं डायरेक्टली, कई स्टेप्स बच जाते हैं हमारे। यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, ये प्लस ना होकर माइनस होना था यहाँ पे, तो आंसर क्या आया, π/4 - x, दिस इज द आंसर। अच्छा, ये यहाँ पर भी देख लो आप, बिल्कुल इसी के पास है, x की क्या नहीं, π/4 - x, बिल्कुल है। ये चीज भी अपने को चेक करनी है साथ बाय साथ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्या है यहाँ पे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में बोल रहा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन में √a² - x² a² - x² बोल रहा है। तो आपको एक बात तो सिंपली, एक बात तो समझ में आई गई होगी, क्या समझ में आई होगी, कि इसको मुझे टेन बनाना है, इसको जब टेन में बनाना है तो अब यहाँ पे लेट क्या करेंगे, लेट मेरे को क्या, देखते थीटा एक्स को क्या लेट करूं मैं बताओ, एक्स को लेट करेंगे यहाँ पे, क्या ले लू, सर, ए साइन थीटा हाँ ए साइन थीटा। अच्छा, ए क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे ए रिमूव करना है, मुझे ए रिमूव करना है, और मुझे पता है करना है। अंडर रूट का ए स्क्वायर करूंगा तो मेरा बाहर ए तो आ जाने वाला है, इसलिए मैंने ए लिया इसको। अच्छा, साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि साइन थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा होएगा तभी टेन थीटा बनेगा। ठीक है, समझ में आया, ए साइन थीटा क्यों लिया, ऐसे नहीं ले लिया, ए साइन थीटा उसका रीजन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या बने आपकी ऊपर इक्वेशन, टेन इनवर्स इंटू ये क्या बना, ए साइन थीटा अपॉन a² - x² की जगह पे क्या लिखोगे आप, a² - a² sin² θ, ये लिखोगे। अब यहाँ पे सर तो कॉमन आ जा रहा, बस हो गया, ये तो कट कट आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर होता, यहाँ पे क्या बचा, 1 - sin² θ। ठीक है, ये जिसको नहीं समझ में आया ये कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है, ए स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, सिंपली ए आएगा। ठीक है, सिंपली ए आएगा, और 1 - sin² θ क्या होता है, ये तो आप सबको पता है क्या होता है, cos कॉस थीटा, और उसका अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, cos थीटा। थीटा ए से ए कट गया सर, ये, आपने ये x = a sin θ क्यों लिया, कुछ और अब क्यों, मैंने बताया ना रीजन बताया, अभी दोबारा बता देता हूँ, ये कितना है, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा, और ये थीटा आ गया। ठीक है, और थीटा क्या है आपका, यहाँ पे से ध्यान रखो, थीटा क्या है आपका, यहाँ पे से अगर ध्यान रखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x/a = sin θ। ए साइन ठीक है, थीटा साइन इनवर्स x/a θ है, ये साइन इनवर्स x/a क्या है मेरा, थीटा है। क्लियर है, हाँ समझ में आ गए। अभी एक बच्चा पूछ रहा, भैया हमने इसको x/a/sin θ क्यों लिया, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है ये। अब जब मैंने यहाँ पे देखा तो एक चीज तो मुझे पता चल गई कि मुझे ए रिमूव करना है, ए रिमूव के लिए ये अंडर रूट का ए स्क्वायर, सबको पता है कि अंडर रूट का ए स्क्वायर करेंगे तो बाहर ए आ जाएगा, तो ए कैंसल आउट। तो अगर मैं ए नहीं लेता इसको तो आप चाहे कुछ भी कर लेते, ऊपर क्या बचता है आपका, ऊपर क्या बचता, सिंपली आप ए मत लो इसको, साइन थीटा ले, एक्स बन जाता। तो आपका एक ऊपर ए रह जाता, अगर आप ऊपर ए नहीं लेते तो नीचे ए रह जाता आपका, यस और नो, नीचे मेरा ए नहीं रह जाता। यस सर, यस ठीक है, यस नीचे मेरा ए स्क्वायर रह जाता, ये इक्वेशन पूरी खुलती ही नहीं, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, ये खाली ए स्क्वायर सर, माइनस ये साइन किस स्क्वायर, एक्सरसाइज का है, ये सेक 2.2, ठीक है, 2.2 है ये आपकी, इसमें मिक्स क्वेश्चन आगे दूसरे भी हैं, पहले 2.2 कर लो, मैं चाहता हूँ ताकि आपकी पूरी हो जाए, फिर मिसलेनियस भी देखेंगे, फिर एक्स्ट्रा मैं बाहर से लाऊंगा दूसरे क्वेश्चन,
और एक बारी अगली क्लास में ग्राफ और बता दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, तो इसलिए ये लिया। अच्छा साइन थीटा क्यों लिया, सबको पता है भैया टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और नीचे क्या बन रहा है आपका, नीचे क्या बन रहा है अगर ध्यान से देखो तो, अंडर रूट में है, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन पे है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते ही चीजें पता चल जाती है हमें, जब हम क्वेश्चन देखते हैं आधी चीजें तो वहीं पर हमें पता चल जाती है क्या होगा क्या नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, क्या लें इसको बताओ, क्या लें इसको कि ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाए। आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं टेन थ्री थीटा का टेन फॉर्मूला, थीटा हाँ टेन थ्री थीटा का कहीं फॉर्मूला बन रहा है ये, मुझे टेन थ्री थीटा मिल टेन सकता लेंगे। है ना, तो क्या ले लेंगे इसको। अब यहाँ पर भी ये फंस रहा है मेरा, यस और नो, ये फंस रहा है कि नहीं फंस रहा, फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। क्या होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, थ्री टेन थीटा टेन माइनस टेन क्यूब, माइनस टेन क्यूब बाय टेन क्यूब माइनस थ्री टेन थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो और इसमें देखो तो आपको यहाँ पे ए फंसता नजर आ रहा है, ए फंसता नजर आ रहा है, यस और नो। अगर ये ए ना हो तो मेरा फॉर्मूला बन सकता है। तो यहाँ पर भी मैं क्या लूंगा, यहाँ पर भी मैं लेट एक्स को क्या ले लेता हूँ, एक्स को क्या ले लेता हूँ, थीटा। ए टेन थीटा ले लेता हूँ, ए टेन थीटा ले लिया मैंने। पहले तो यहाँ से एक चीज ध्यान लगा लो, थीटा क्या आएगा मेरा, टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ये तो सबको स्टेप समझ में आ गया होगा, पीछे भी किया था। ये एक्स बाय, सर ये क्या हो जाता है, एक्स बाय ए इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। इसका अगर इनवर्स निकालोगे तो, इनवर्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बाय ए थीटा। तो जो मैं बताता भी था हमेशा ये बताता है, टेन इनवर्स एक्स बाय ए क्या है, यहाँ पर एक एंगल है जिस पर उसकी वैल्यू एक्स बाय ए, कौन सा एंगल जिस पर उसकी वैल्यू एक्स बाय ए। यहाँ पर भी तो वही मतलब है, टेन थीटा मतलब वो एंगल जिस पर उसकी वैल्यू एक्स बाय ए, तो एक ही है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हुआ, ये मेरा टेन इनवर्स 3 a² x है, फटाफट लिख देंगे अब तो कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर और इंटू ए टेन थीटा लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब टेन थीटा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स क्यूब है यहाँ पे, ये कितना हो गया, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा। नीचे देखो ए क्यूब का ए क्यूब ही रहेगा, यहाँ पे ये कितना हो गया, 3 a × x² एक्स स्क्वायर में क्या होगा, इसका स्क्वायर करना वैसे और कुछ भी नहीं। अब ध्यान से देखो, ऊपर भी ए क्यूब कॉमन आ रहा है, नीचे भी ए क्यूब कॉमन आ जा रहा है, ऊपर और नीचे से ए क्यूब कॉमन ले लो, नीचे क्या है, 3 tan θ − 10³θ अपॉन में, अपॉन में क्या बचा, ए क्यूब कॉमन ले लिया तो ए क्यूब, -10² थीटर। ठीक है। टेन इनवर्स इतना मत बोलना, सर 3 लिखना भूल गया, थ्री कहाँ पर 3 लिखना भूल गए, यहाँ पर ना, टेन हाँ ठीक है। ये टेन इनवर्स को लिखना मत भूलना आप पेपर में, ठीक है। ये कैंसल आउट हो गया, टेन थ्री थीटा आ गया आराम से आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन इनवर्स एक्स बाय ए, क्लियर क्लियर है। सर पूछो, यहाँ पे एक की डायरेक्ट पहले हम 1 वैल्यू लेके चल लेते तो भी हो जाए, देखने से दिख क्या रहा था बिल्कुल। क्या कह रहे हो, क्या ले लेते, अगर ए को = 1 लेट कर लेते तो वैसे ही हो जाता पूरा, ए यहाँ को पे वन दिख लेट, रहा है। हाँ ए को आप लेट वन कर लेते, ठीक है, हाँ तो क्या होता उससे बताओ मुझे, अगर फिर लेट, मतलब 10 थीटा के उसमें फोन में जा रहा था, टेन फिर थ्री एक्स क्या थीटा के में लिखते हैं आप अगर एक्स, चलो ठीक है, इस बच्ची, ये बच्चा कह रहा है, ठीक है, आप कह रहे हो कि मैं लेट लेता ए इज इक्वल्स टू वन, यही कह रहे हो,
यही कह रहे हो ना आप? ठीक है, आपका आंसर क्या यस आता, सर। आपका आंसर क्या आता? आपका आंसर आता 10 इनवर्स इनटू 10 3x। टेन ठीक है, अब ये आ गया आपका आंसर 3x। एक्स क्या है? एक्स टेन थीटा हो जाता है, मतलब नहीं, एक्स क्या, आपने एक्स तो कहीं लिया ही नहीं भाई, आपने ए को 1 ले लिया, एक्स को क्या पुट करोगे बताओ? एक्स की तो आप बात ही नहीं कर रहे, ये तो आंसर इनकम्प्लीट हो गया, नंबर नहीं मिलेंगे बताओ। ये तो यहीं छूट गया ना आपका, आपने खाली ए को ले लिया 1, ए को 1 लेने से 3x आएगा बच्चे, हमें ए से मतलब ही नहीं है तो कैंसल आउट हो जाएगा, वो तो हमें पहले ही दिख रहा है, यहाँ पे यहीं पर दिख रहा था क्वेश्चन में कि ए तो कैंसल आउट होना ही है। हमें यहाँ पे बात करनी है एक्स की, किसकी बात करनी है, एक्स की बात करनी है हमें। एक्स ठीक है, अगर आप ए को 1 ले लोगे तो एंड में ये 3x आ जाएगा, फटाफट हो जाएगा आंसर। बट एक्स क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन तो पूछेगा ना भाई, एक्स तो बताओ, एक्स का ही तो माजरा है, एक्स की पूरी ये दी हुई है आपको, तो बताओ क्या होगी एक्स, वही तो पूछ रहा हूँ, और क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो खाली ओके ए को 1 लेने से नहीं होगा काम, एक्स को लेंगे क्योंकि जो हमें फाइंड करना होता है उसी को लेट लेते हैं ना। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी ये वाला 10 इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 कैसे करोगे, कैसे करोगे? सर, इसको अंदर से सॉल्व करते हुए जाएंगे। हेलो, हाँ बोलो। और पहले 2 sin inverse 1/2 को सॉल्व करेंगे, फिर हाँ, बाहर की तरफ आते जाएंगे। टू साइन इनवर्स 1/2, तो 2 sin inverse 1/2, sin inverse 1/2 क्या होता है? sin inverse 1/2 का क्या मतलब है? आप सबको पता है sin inverse 1/2 का मतलब है वो एंगल जिस पे साइन की वैल्यू क्या हो, क्या हो, 1/2, हाफ हाफ। तो कौन से एंगल पे होती है? 30 डिग्री। भाई 30 डिग्री को कैसे लिखते फाइव हैं? बाय पाई सिक्स बाय सिक्स। और पाई बाय सिक्स आप देखोगे इसकी -π/2 से π/2 के बीच में भी आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे सीधा 2 sin, एक मिनट इसको पूरा लिख, cos 2 sin inverse 1/2 की इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, पाई बाय सिक्स लिख दू, पाई बाय सिक्स फाइव इसकी बाय जगह पे। सिक्स ठीक है, यस सीधा लिख दू पाई बाय सिक्स, तो पाई बाय सिक्स लिख दिया मैंने, पाई बाय सिक्स लिख दिया, तो क्या आंसर आएगा भाई? sin inverse 1/2 तो पाई बाय सिक्स ही होता है ना, ये कट गया 3, तो ये कितना बन फाइव गया, बाय थ्री 10 inverse 2 cos π/3, 2 cos π/3। अब 2 cos π/3 कितना होता है, यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है, जितना sin 30 होता है उतना cos 60 होता है, 1/2, बहुत इजी है। ठीक यस सर। है, 1/2 10 inverse, ये 1 आ गया आपका, 10 inverse ये कितना हो गया, 10 inverse into 10π/4। ठीक है, तो ये कितना बन गया आपका, π/4, π/4। क्लियर है? क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन यस देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको दोनों चीजें बताई हुई है। क्या बताया हुआ है? मोड एक्स शुड बी लेस देन 1। ठीक है, y greater than 0, xy less than 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सर, यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा भाई? दिख रहा तो है ये हमें, क्या 10 to x दिख रहा? में, मतलब 10 to x का फॉर्मूला बन जाएगा साइन वाला, और हाँ, किसका बन जाएगा ये टेन फॉर्मूला? इनवर्स 2x का। कौन सा वाला फॉर्मूला है ये? साइन इनवर्स यस सर, हाँ, कौन सा फॉर्मूला बनेगा बताओ, टेन इनवर्स टू क्या एक्स लिखूँ इसकी जगह में? 10 inverse 2x। क्यों, कैसे मतलब वो तो फॉर्मूला बन जाएगा सर। बनेगा बताओ, सर क्या फॉर्मूला होगा 10 to x का, क्या सर एक्स को फॉर्मूला टेन होगा? एक्स ले सकते ना,
बताओ बताओ। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बताओ। सर एक्स को टेन थीटा ले सकते हैं, फिर फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 2 tan 10 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। करो फिर बताओ कैसे करोगे, क्या लिखूं, अब आप बताते जाओ, मैं करते जाता हूं। तो क्या लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा कितना, टेन इनवर्स, टेन लिख देते, टेन 1/2। अब क्या लिखूं इसके बाद, क्या लिखूं इसके बाद बताओ। बताओ बच्चों क्या लिखूं इसके बाद, यहां तक तो लिख दिया मैंने। सर जो हमारा 2 tan 10 थीटा वाला वो साइन 2 थीटा हो जाएगा ना, फिर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 2 थीटा बचेगा वहां पर। तो अगर मैं और एक्स को कुछ पुट करूं तो ठीक है, एक्स को तो सर कुछ पुट नहीं करेंगे, पहले बताओ, लेट एक्स को मैं कुछ पुट कर लूं तो, यहाँ पे एक्स और वाई है ना मेरे पास, तो मैं एक्स को अगर टेन थीटा पुट कर लूं तो, क्योंकि पुट कराए बिना आप कैसे चीजों को बताओगे, तो एक्स को मैं टेन थीटा पुट कर लेता हूँ। वाई को मैं क्या पुट करूँ, टेन थीटा ले सकते हो और टेन कुछ भी ले लो, फाई ले लो, टेन फाई ले टेन लो, अल्फा अल्फा ले लो, अल्फा ले लो, कोई बात नहीं, अल्फा ले लो। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, साइन इनवर्स 2x की जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि जो आप फॉर्मूला बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, आपको पता है ये साइन 2x का फॉर्मूला है, सबको पता है ये साइन 2x का फॉर्मूला है ना, यही होता है साइन 2x का फॉर्मूला, यस और नो, सर। यही होता है ना साइन टेन साइन 2x का फॉर्मूला। अगर 11th क्लास आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या रहता था, दो फॉर्मूला होते थे, उनमें से एक फॉर्मूला यही होता था इसका, 2 tan x 1 plus 10 square x, ये फॉर्मूला होता था इसका। इसलिए 11th के फॉर्मूले बुक फेंकना मत, फॉर्मूले देख लेना, मैं डाल दूंगा नोट्स में, ऐसा करूंगा तो आप जब नोट्स पे जाओगे तो देख लेना, ठीक है, आज रात सारे नोट्स डाल दूंगा तो आप नोट्स के थ्रू, और उसमें फॉर्मूले भी डाल दूंगा तो फॉर्मूले देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया 2 tan सॉरी पाई ले रहे थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया 1 plus tan square theta, और ये क्या हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस, क्या लिख दूं यहाँ पे, टेन स्क्वायर अल्फा सर 1 plus tan square। अभी अभी जस्ट ये बताया था मैंने, है ना, यस और नो, ये वाला तो बताया ही था अभी, था क्या लिख दूं इसकी जगह पे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जस्ट अभी बताया था पीछे, कॉस 2 थीटा सर, का कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा में बताया था, नहीं फॉर्मूला आपको इधर उधर हो गया, ठीक है, कॉस 2 थीटा में ये फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो उसका फॉर्मूला, ये कितना हो गया साइन इनवर्स, और यहाँ पे ये कितना हो गया, क्या लिखते हैं इसकी जगह पे, आप बोलोगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, बिल्कुल साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये हो गया कॉस इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपका कॉस 2 अल्फा, लिख लेते हैं यहाँ पे, हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, टेन 1/2, यहाँ पे काटा पीटी करोगे तो क्या बच जाएगा, काटा पीटी करोगे तो क्या बच जाएगा, 2 थीटा बचेगा, साइन इनवर्स से साइन कट गया, 2 थीटा बचा, बट ऐसे मत काटना पेपर में कि ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे नहीं करते, ठीक है, 2 थीटा यहाँ पे बचा, कॉस और ये कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 अल्फा यहाँ पे बचा। अब क्या आएगा इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हाफ है ना, इसमें से 2 कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन लिया, कैंसिल हो जाएगा फिर टू। अंदर क्या बचा, थीटा प्लस अल्फा यही बचा, और बाहर सर क्या था, 1 मिनट, बाहर टेन दिया हुआ है, बढ़िया, टेन
थीटा प्लस है अल्फा। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है ये तो हम सबको पता है, लगा दो फॉर्मूला। टेन थीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन में वन बिल्कुल माइनस टेन थीटा टेन अल्फा, ठीक है ये आ गया। अब आपको पता है टेन थीटा आपने क्या लिया था, टेन थीटा लिया था एक्स और टेन अल्फा लिया था वाई, बस एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, बिल्कुल ठीक है क्लियर है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं पेपरों में, तो ध्यान से ये देखना, बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे इसमें। अब ये लोग आप बताओगे क्योंकि ये तो बहुत इजी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, बताओ क्या लिखेंगे इसमें। साइन इनवर्स सर टू पाई पाई बाय पाई बाय 3 आएगा, पाई बाय थ्री क्यों आएगा पाई बाय थ्री, 2π/3 नहीं लिख सकते इसको डायरेक्टली। नो सर, क्योंकि फिर ये पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में आती है ना साइंस की। वेरी गुड। अब आपको पता ही भाई ये 2π/3 डायरेक्टली लिख सकते क्यों, क्योंकि ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के डोमेन में नहीं आ रहा है ना। इसका क्या मतलब है साइन 2π/3, ठीक है आंसर कितना आएगा, जितना आपका पाई बाय थ्री का आएगा उतना ही आंसर आएगा, बट साइन इनवर्स में साइन इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। एक सिंपल सा देखो, साइन 2π/3 क्या होता है, 2π/3 कितना होगा, 2π/3 कितना, 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री बस इस रेंज में नहीं आता, -90 से 90 डिग्री इसमें नहीं आता आपका, इसके बीच में नहीं आ रहा। साइन इनवर्स का तो यही होता है ना, रेंज यही होती है ना, माइनस इनवर्स की क्या रेंज होती है, माइनस यस नाइन्टी से यस नाइन्टी, -π/2 से π/2। अब ये इसके बीच में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, इस 2π/3 को बदल देते हैं। अब ध्यान दो ये 2π/3 ऐसे कैसे लिख सकते हो आप, कैसे लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते फाइव हो। बाय थ्री अब ये आपको सबको पता है कि ये मैंने 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है, आपको भी पता होना चाहिए। साइन पाई माइनस थीटा ऑलवेज, जब भी सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हो तो सीधा ये चीज उतार दो, यहाँ पे साइन थीटा पूरा यस उतार दो साइन, बट हम बस साइन देखें, yes. साइन क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं साइन पाई बाय थ्री या 2π/3 लिखूं एक ही बात है, बस लिख दो यहाँ पे साइन इनवर्स, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा साइन, क्या लिख दो यहाँ पे पाई बाय थ्री, सर इसका आंसर 5/3 है। पाई बाय थ्री। दूसरा बताओ टेन इनवर्स टेन 3π/4, टेन इनवर्स टेन 3π/4, ध्यान से देखो 3π/4 कितना होता है अगर डिग्री को एक सौ हटा, पैंतीस डिग्री वेरी गुड 135 डिग्री। क्या ये इसकी रेंज में आ रहा है, क्या रेंज होती है टेन इनवर्स की, -π/2 से π/2 यही फाइव होती है टू इसके लिए, ओपन ब्रैकेट यानी -90 तो नहीं ज्यादा हो रहा है, तो क्या करें इसको, क्या फाइव ऐसे बन माइनस कर देंगे। ये, क्या बन रहा है पाई माइनस पाई बाय फोर बन रहा है, ये बन रहा है 3π/4 को ऐसे लिख सकते हो ना, टेन 3π/4 को ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय फोर, तो टेन पाई माइनस पाई बाय फोर कितना होता है, सीधा उठा के टेन पाई बाय फोर लिख दो, और आपको क्या चेक करना है साइन चेक करना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, क्लियर है। इसको क्या लिखेंगे हम, तो -10π/4 को ऐसे भी लिखते हैं हम, -10π/4 एक ही बात होती है, ठीक है तो यहाँ पे हाँ -π/4 ठीक है, क्यों ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता है, ठीक है तो यहाँ पे ये क्या हो गया -π/4, ठीक है क्लियर। ये क्वेश्चन देखो ये कैसे करेंगे, साइन इनवर्स 3/5, अभी है क्वेश्चन तो साइन इनवर्स 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 कैसे करोगे बताओ। अब अंदर वाले में सर क्या, पहले इसको हाँ बोलो बोलो,
इसको साइन इनवर्स को मतलब साइन में कन्वर्ट करके फिर वैसे निकालेंगे जैसे पहले निकाल रहे थे, कॉस थीटा वो निकाल लेंगे इसका एंड। कैसे करेंगे बता, क्या बता रहे हो, क्या लेट ले क्या करें इसको, सिंपल साइन है इनवर्स इनका को साइन साइन थीटा कर लेंगे, साइन इनवर्स को क्या कर लेंगे, साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे पहले, फिर हाँ कन्वर्ट करके बताओ। मतलब आइडेंटिटी का यूज करके फिर हम इसको कॉस थीटा भी बना लेंगे और फिर बाद में टैन थीटा भी निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सही, तो बताओ क्या लिखूं, पहले सबसे पहले लेट क्या करूं, सर इसको एक्स के बराबर लेट करके फिर 3/5 इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। इसको एक्स के बराबर रख लिया बिल्कुल, तो कितना हो गया मेरा साइन एक्स, कितना हो गया 3/5, 3/5 ठीक है ये हो गया आपका बिल्कुल बढ़िया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसमें, साइन एक्स 3/5 है बाकी, अब बताओ पी सर इसमें 3/5 जो 3 है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और 5 हाइपोटेनस हो जाएगी और ये बेस क्या हो फोर आ जाएगा जाएगा, 4 आ जाएगा। बेस फोर, ठीक है तो टेन एक्स कितना हो गया 3/4, यस सर तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3/4, यस और नो। एक चीज तो आपने बता दी, वेरी गुड, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू 3/4 होगी, ध्यान रखना ऐसे लिखना। टेन इनवर्स 3/4 यही लिखेंगे, यही लिखेंगे यस और नो, यस सर ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप, सिमिलरली इसे भी कर लोगे, ये तो सिंपल है, कॉट सर इनवर्स इसका कितना दिया रेसिप्रोकल वाई, कर लेंगे। हाँ अगर इसको वाई ले लेते हो आप, कॉट वाई क्या हो गई 3/2, टेन वाई क्या हो गया 2/3, टेन टू इनवर्स 2/3 क्या हो गई वाई, ठीक है। आपका ही बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई साइन इनवर्स 3/5 था, आपने डायरेक्ट कैसे ले लिया, साइन इनवर्स 3/5 को एक्स माना था मैंने, ठीक है, और मेरा जो टेन इनवर्स 3/4 है वो भी एक्स के बराबर है, तो अगर ये एक्स था तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया था, टेन एक्स प्लस वाई हो गया था, ये एक्स प्लस वाई, मेरे पास एक्स अगर मैं देखूं तो एक्स मेरा टेन इनवर्स 3/4 भी एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे वाई देखूं तो क्या आ रहा है, टेन वाई ये निकला ना अपना, टेन इनवर्स 2/3 भी वाई के बराबर है और कॉट इनवर्स 3/2 भी वाई के बराबर है, ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, कॉट इनवर्स 2/3 सॉरी टेन इनवर्स 2/3, ये कितना बच गया अब आपका, बताओ आंसर, अंदर बस अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या बन रही है, वो इक्वेशन बन रही है टेन एक्स प्लस वाई वाली, ठीक है 3/3/4 + 2/3, ये फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, पता है ना सबको, ये फॉर्मूला टेन वही है टेन एक्स प्लस वाई वाली, एक्स प्लस वाई 1 माइनस, ओके सर इसको सॉल्व करके 17/6 आ रहा है, वेरी गुड, कितना आ रहा है सॉल्व करके, तो 17/6 टेन इंटू टेन इनवर्स 17/6 आ रहा है सॉल्व करके, आंसर ये हो गया 17/16, 17/6 सॉरी, ठीक है, सर 10x भी तो है, मतलब 10 ही तो कैंसिल आउट होगा, x कहाँ एक्स 10x, कहाँ है, अच्छा टेन एक्स मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई क्या, कहाँ एक्स बेटा, ये टेन साइन इनवर्स 3/5 था, इसको एक्स लिया था, कॉट इनवर्स थ्री बाय टू नहीं मैं कोई दूसरे वाले में देख रहा था, सॉरी ठीक बात नहीं, ठीक है टेन से टेन इनवर्स कट गया, खाली 17/6 बचा, क्लियर है।
इसका आंसर बताओ कॉस इनवर्स 7π/6। अब 7π/6 को आप कैसे लिख सकते हो, 7π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, आंसर बताओ। 5 प्लस π/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी सर। ठीक है, तो पाई प्लस पाई बाई सिक्स क्या होता है कॉस में, माइनस कॉस पाई बाई सिक्स माइनस, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, तो क्या ये यहाँ पे खत्म हो गया क्वेश्चन? नो सर, मतलब पाई में से माइनस करेंगे अब इसकी वैल्यू। यही हुआ। अब यहाँ पे 7π/6 करने के बाद भी मेरा ये आंसर आ रहा, और कॉस सबको पता है 0 से 2 इनवर्स में 0 से लेकर π तक इसकी क्या होती है, रेंज होती है, ये रेंज होती है। अब क्या करूं, अब -π/6 को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से समझना। ये कॉस क्या दिया हुआ है, -x cos -x और -cos x एक ही होता है, ये ध्यान रख। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -cos π/6 लिख सकता हूँ ना ऐसे, ये ध्यान, ये तो पता ही है, सिंपल सी बात है। यस सर, ये किसके बराबर है याद है, cos θ का मैंने बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस थीटा सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर -cos π/6 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस पाई बाई सिक्स कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसके बराबर आ जाए 5π/6। और अगर आपको ऐसे भी कंफ्यूजन हो ना, तो हमेशा ही याद रखना कॉस सप्लीमेंट्री पे नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के। पाई बाई सिक्स कितना होता है, पाई बाई सिक्स कितना होता है, पाई बाई सिक्स होता है माइनस 30 डिग्री, और ये कितना होता है 150 डिग्री, पाई बाई सिक्स इंटू 5π/6 कितना होता है 150 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री पर नेगेटिव होते हैं, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है, एंगल मिला के सप्लीमेंट्री 180 डिग्री हो रहा है, साइन की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे के नेगेटिव होता है, अगर ये -150 है तो ये क्या होगा, +30 होगा। या आप ऐसे ध्यान रखना, अगर एक -π/6 है तो दूसरा क्या होगा, +5π/6, अगर एक -π/6 है तो दूसरा क्या होगा, +π/6। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। एक π/3 होगा तो दूसरा क्या होगा, -2π/3, साइन को छोड़ दो, बाकी π/3 और 2π/3 मिला के 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, एक 2π/3 होगा तो दूसरा क्या होगा, -π/3। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, और साइन में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव, एक पाई बाय सिक्स है तो दूसरा 5π/6 होगा। ठीक है, एक पाई बाय थ्री है तो दूसरा 2π/3, दोनों सप्लीमेंट्री पे बराबर है, ये दोनों बराबर है, यहाँ पे ये दोनों कॉस में बराबर थे। ठीक है, कॉस में सप्लीमेंट्री में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साइन में दोनों पॉजिटिव, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब आ जाता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 14, क्या बोल रहा है, sin π/3 -sin इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। तो कैसे करेंगे इसको, sin इनवर्स माइनस में 1/2, तो sin इनवर्स माइनस में 1/2 कितना हो जाता है, पहले तो इसकी बात करते हैं, -1/2 यानी -30। यही हो जाएगा। अब -π/6 साइन -π/6 कितना, क्या ये रेंज में आ रहा है, बिल्कुल रेंज में आ रहा है, बिल्कुल रेंज में आ रहा है, तो गड़बड़ तो ये नहीं कर रहा, ये कितना होता है, अच्छा ये क्या हो गया है, sin इनवर्स -π/6 यही है ना। ठीक है, सॉरी ये तो -π/2 उल्टा कर दिया,
माइनस वन बाय टू को कैसे लिखेंगे? इसको पूरा वैसे ही लिखना था, गलती हो गई। ध्यान से देखो, ध्यान देना इस पर। तो यहाँ पे माइनस वन बाय टू को और कैसे लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे साइन माइनस साइन इनटू माइनस ठीक है, नहीं तो माइनस बाहर भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैंसल आउट करके क्या बचा आपका? फाइव बाय थ्री माइनस माइनस कितना हो गया? माइनस माइनस फाइव बाय सिक्स। बस एलसीएम ले लो, हो गया खत्म। सर वन आ गया। ऑप्शन डी है सर जी, कौन सा ऑप्शन है? डी थ्री पाई बाय सिक्स यानी पाई बाय टू साइन पाई बाय टू, यही है। वन। ठीक है, इसका इसको ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री माइनस कॉट माइनस अंडर रूट थ्री। बहुत इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन। तो टेन इनवर्स आपको पता है ना अंडर रूट थ्री कब होता है? पाई बाय सिक्सटी थ्री पे, डिग्री पे। पाई बाय थ्री पे। हाँ, 60 डिग्री यानी टेन पाई बाय थ्री। अरे उल्टा लिख रहे हैं बार 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 बार। माइनस कॉट इनवर्स ये उल्टा 30 डिग्री पे होता है ना, 30 डिग्री पे। तो क्या लिख दो इसको? पाई बाय सिक्स। पाई बाय सिक्स। कॉट माइनस पाई बाय सिक्स भी लिख सकते हो, माइनस बाहर भी लगा सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, ये कितना हो गया? कॉट माइनस पाई बाय सिक्स। ठीक है। अब आपको पता है ये नेगेटिव होना चाहिए था अपना, नो सर, नेगेटिव होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था भाई? कॉट का क्या रेंज रहता है? इसके तो ठीक है, पाई बाय थ्री कोई दिक्कत नहीं कर रहा। कॉट की क्या रहती है? कॉट की क्या रहती है बच्चों? रेंज जीरो से लेकर पाई तक, जीरो से लेकर पाई तक यही होती है ना? यस सर। पक्का यही होती है ना? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? यही होती है इसकी, कॉट की, जीरो से लेकर पाई तक ओपन ब्रैकेट, जीरो से लेकर पाई तक ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? माइनस पाई बाय सिक्स अपने को खटक रहा है, जीरो से पॉजिटिव बनो। तो इसमें भी वही है, इसका जो सप्लीमेंट्री होगा उस पर पॉजिटिव होगा। कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है? ये फाइव माइनस थीटा जाए सर। यस यही होगा, सर। यानी यही बोल देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख देंगे? पाई माइनस पाई बाय सिक्स। सिक्स। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया? पाई माइनस पाई बाय सिक्स यानी फाइव पाई बाय सिक्स। तो ये हो गया फिर आपका खत्म आंसर। टेन इनवर्स इंटू टेन पाई बाय थ्री फाइव बाय थ्री माइनस माइनस कॉट कोट इनवर्स इंटू कॉट फाइव पाई बाय सिक्स। तो क्या बचा आपका? खाली पाई बाय थ्री माइनस फाइव, पाई नहीं बचा यहाँ से, ये बचा यहाँ से, ये बचा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? टू पाई माइनस माइनस थ्री पाई बाय सिक्स माइनस माइनस फाइव पाई बाय बाय टू टू माइनस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हो गया क्या? साइन टू पाई बाय फाइव आएगी सर। ये वाला क्वेश्चन किया क्या हमने? सर इसका उल्टा क्या था? टू पाई बाय फाइव वाला क्या था? अच्छा, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? क्या आएगी इसकी वैल्यू? क्या इस दिया? थ्री टू पाई पाई बाय फाइव क्या आएगी? टू पाई बाय फाइव क्या दिया हुआ है ये? अब ध्यान से देखो, ये थ्री पाई बाय फाइव दिया हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हो? इसको कैसे लिख सकते हो बताओ? पाई माइनस थ्री पाई पाई में बाय फाइव। पाई माइनस थ्री पाई बाय फाइव पाई माइनस थ्री पाई बाय फाइव
वेरी गुड, पाई माइनस 3 बाय 5 लिखो जरा इसे, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 3 बाय पाई बाय 5 यानी कितना हो गया, ऑलमोस्ट 100, कितना हो गया ये, 36 × 3 108 डिग्री, 108 डिग्री तो रेंज में से बाहर जा रहा है, इसमें से बाहर जा रहा है, ये तो 90 तक ही है ना, तो 108 का आप सीधा 72, 108 में और ऐड कर दो 72 है ना, एक सौ सीधा अस्सी हो लिख जाएगा। सकते 72 डिग्री, तो साइन 3 पाई बाय 5, तो 72 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, अगर 72 डिग्री है आपके पास तो इसे रेडियन में कैसे लिखोगे, 2 पाई बाय 5 पाई बाय कितना फाइव है, ये आपको दे देखो, अब सीधा हो गया आंसर आपको, मैंने ये चीज बताई है, ये सप्लीमेंट्री पे सेम होता है, यानी 3 पाई बाय 5 अगर कोई निकालेगा तो ये होता है जी आपका कितना, 5 बाय 5 होता है 36 × 3 यानी 108 डिग्री, 108 डिग्री, तो 108 डिग्री और सप्लीमेंट्री 72 डिग्री पे, दोनों पे एंगल सेम होगा, तो 72 डिग्री निकाल लो, और साइन भी प्लस का ही रहता है दोनों, 72 डिग्री कितना होगा, अगर 36 डिग्री पाई बाय फाइव है तो 72 डिग्री कितना होगा, 5 बाय 5 × 2 2 पाई बाय 5, ठीक है 2 पाई बाय 5 लिख दिया, यहाँ पे हो गया काम खत्म आपका, यस सर। और 2 पाई बाय 5 रेंज में भी आ रहा है, ठीक है। बाकी जिसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो वो सीधा वही अपना प्रोसीजर करो, पाई माइनस 3 पाई बाय 5 ऐसे लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 5 को हम, ये हो गया साइन, ठीक है ये बच के, सॉरी 2 पाई बाय 5 ये क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई बाय 5 वैसे कर लो, बात तो एक ही है ना, ये बात तो यही है ना हमारी, यस ठीक है डायरेक्टली ऐसे कर लो, ये हो जाएंगे, अब मुझे तो नहीं लगता ये मुश्किल है, हो जाएंगे ना, ठीक सर, है। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसकी मिसलेनियस और एक बारी ग्राफ देख लेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बुक के नहीं है वो करवाऊंगा, RDRS की या दूसरे, या IIT लेवल में कैसे आ रहे हैं वो देख लेंगे हम, ठीक है, इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन के आ रहे हैं वो देख लेंगे, ठीक है। नोट्स और प्लस फॉर्मूले में आज रात तक अपडेट कर लूंगा, आप सब उसको देख लेना, नोट्स के लिए आपको बिटली लिंक पर चले जाना, सारे नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे, ठीक है उसको देख लेना, ओके ठीक है। और सर। इस संडे एक्स्ट्रा वाले टेक्स्ट ग्रुप पे तो जाके लिंक नहीं एक्स्ट्रा आता वाले क्या? ग्रुप में नहीं आ रहे तो बेटा bit.ly/location सर लिख दो, मिल जाएंगे, अभी उसको अपलोड करने बाकी है, ठीक है अपलोड कर दूंगा मैं, वीडियो भी वहां पे मिल जाएगी और नोट्स भी मिल जाएंगे, DP भी मिल जाएगी, वो अपलोड करनी है आज मैं कर दूंगा, ठीक है क्लियर है, ओके सर, ओके बच्चों बाय सर, बाय बच्चों, थैंक यू। और संडे टेस्ट है थैंक उसकी तैयारी चालू रखो, मोस्ट प्रॉबली सेकंड चैप्टर ही आएगा, सेकंड चैप्टर ही आएगा, फर्स्ट तो हो गया ना, यू अभी मैं कल तक बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास तक मोस्ट प्रॉबली सेकंड चैप्टर आएगा, ठीक है। सर, थैंक यू सर, सेकंड में फिर अगर नहीं आया तो फर्स्ट में डोमेन रेंज और ये सब पूछा जाएगा, ठीक है।